बच्चियों को क्यों पहना रहे हो क्या? आपके बेटा पेरेंट्स को पता है नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। जिहादी और कट्टरपंथी मानसिकता का जहर समाज में इस कदर घुल चुका है कि कैंसर से कम नहीं है, और इसकी तस्वीर भी देख लीजिए। वीडियो महाराष्ट्र की है, जहां मुस्लिम महिलाओं ने ऐसा काम किया कि दिमाग भन्ना उठे और आप सोच में पड़ जाएं कि अभी तक तो जिहाद के नाम पर जहर फैलाने वाले पुरुषों की खबर आती थी, अब महिलाएं भी इस रण में कूद चुकी हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र के नागपुर में गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जमाते इस्लामी हिंद के महिला विंग से जुड़ी कुछ मुस्लिम महिलाओं को शनिवार को 15 से 25 साल के हिंदू लड़कियों को पर्चे बांटते और उनसे हिजाब पहनने का आग्रह करते हुए देखा गया। पैम्पलेट में 15 से 25 साल की हिंदू लड़कियों से कुरान और सुन्नत का ज्ञान फैलाने के लिए भी आग्रह किया गया। ये घटना कथित तौर पर नागपुर में सीएम आवास के पास वर्कर स्ट्रीट पर हुई है। कुछ स्थानीय लोगों ने नाबालिग लड़कियों को इस तरह से हिजाब पहनाने पर आपत्ति जताई है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नागपुर में 20 अलग अलग जगहों पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब लोगों ने मुस्लिम महिलाओं को इस तरह से हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनाने से रोका तो वो पर भड़क गई। इस्लाम मजहब में महिलाओं को आमतौर पर हिजाब पहनना पड़ता है, लेकिन हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनाने के लिए इकट्ठा हुई ये मुस्लिम महिलाएं स्थानीय लोगों पर चिल्लाने लगी और उनसे बहस करने लगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा करने से रोक दिया था। उस दौरान तीन हिंदू लड़कियां ऐसी हैं कि एक नाबालिग लड़की ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से हिजाब पहना है। दिलचस्प बात यह है कि हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनाने के लिए 4 सितंबर को पैम्पलेट बांटे गए, जिसमें हिजाब दिवस लिखा गया था, जबकि तथाकथित विश्व हिजाब दिवस हर साल 1 फरवरी को पड़ता है। इसके बाद स्थानीय लोग शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे। स्थानीय निवासियों में से एक ने कहा कि वो सीएम आवास के पास टहलने गए थे, जहां उन्होंने देखा कि हिजाब पहने हुए 15 से 20 मुस्लिम महिलाओं ने 3-4 हिंदू लड़कियों को रोका और उनसे हिजाब पहनने के लिए आग्रह करने लगी। उन्होंने कहा कि जब हमने ऐसा करने से रोका तो वो कहने लगी कि 4 सितंबर विश्व हिजाब दिवस था और इस दिन कोई भी हिजाब पहन सकता है। हालांकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि विश्व हिजाब दिवस हर साल 1 फरवरी को पड़ता है। उन्होंने कहा कुछ महिलाओं ने यहाँ तक दावा किया कि वो हिंदू हैं और अपनी मर्जी से हिजाब पहन रही हैं, लेकिन वो झूठ बोल रही थी। जब मुस्लिम महिलाएं वहाँ से चली गई तो हमने हिंदू लड़कियों को हिजाब उतारने के कहा। शिकायत करने वाले लोगों ने आगे बताया कि ये मुस्लिम महिलाएं फिर सीएम बंगले की ओर थोड़ी आगे बढ़ने लगी, जहां उनके पति या भाई स्कूटर पर उनका इंतजार कर रहे थे। वो तुरंत स्कूटर पर बैठकर वहां से 9:00-11:00 हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने इस बारे में पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद वह मौके पर पहुंची। मुस्लिम महिलाओं द्वारा बांटे गए पर्चे पुलिस को सौंप दिए गए और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।